हर हर महादेव। आज जिस देश हिंदुस्तान को 71 वर्ष आज़ाद हुए हो गए हैं, आज भी वहाँ पर किसी प्रकार की गुलामी से कुछ लोग गुजर रहे हैं और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आखिर क्यों? आज सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा तो 33 करोड़ देवी देवताओं की वासिनी गौ माता का। और किस प्रकार? पहला सवाल करूँगा, अगर गौ हमारी माता जैसी है तो क्यों उसे गौ कसी के दलदल में धकेल दिया जाता है? आखिर क्यों? क्यों उसकी देखभाल नहीं करते हम? क्यों उसकी सेवा नहीं करते? आखिर क्यों? कुछ लोग चंद रुपए के लिए इस कार्य को करते हैं तो कुछ लोग फर्जी और बहसवाड़े के नाम पर इस कार्य को करते हैं। आखिर क्यों? राम राज था हमारे देश में, राम राज ही रहेगा। श्री कृष्ण भगवान के लिए पूजनीय थी गौ माता, श्री कृष्ण भगवान के लिए पूजनीय थी, हमारे लिए भी होनी चाहिए। आखिर क्यों क्यों नहीं पूजते हम गौ माता को? क्यों? कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि यह एक पशु का सवाल है। कोई जवाब नहीं देगा। 10 रुपए का माल 1 रुपए में मिलने लगे, भीड़ टूट कर पड़ने लगेगी, गूंगे भी बोलने लगेंगे, बहरे भी सुनने लगेंगे, लेकिन आज कोई नहीं सुनता, क्योंकि यह एक पशु का सवाल है। आखिर क्यों? आखिर में मैं एक ही बात कहनी चाहूँगा, कहीं भी किसी प्रकार का अपने आसपास गौ अत्याचार होते हुए देखते हैं तो अपने नज़दीकी पुलिस बूथ पर जरूर संपर्क करें, उनको जरूर इतला दें। आपका आभारी रहेगा मुकेश रोहेला। और अगर जो आपको यह मेरी तहरीर पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मुकेश रोहेला।